हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और ये है हमारा कैरेटेड ट्रायंगल का नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कैरेटेड ट्रायंगल की बाउंड्रीज के बारे में। ओके, तो सारे की सारी बाउंड्रीज, रूफ और एपेक्स, सॉरी फ्लोर, तो सारे के सारे इन सारों के बारे में बात की थी हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर हम इन सारी स्ट्रक्चर्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कि बेसिकली कैरोटिड ट्रायंगल हमें कैसा दिखता है। तो देखिए, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। हम यह डायग्राम बनाएंगे जिसमें बाउंड्रीज, फ्लोर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो देखिए, कुछ नहीं, हम बना रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ द लेटरल व्यू। ओके, लेटरल व्यू में ये होगा हमारा एंटीरियर पार्ट। ओके, ये होगा हमारा पोस्टीरियर पार्ट, ये होगा हमारा सुपीरियर पार्ट और ये होगा हमारा इन्फीरियर पार्ट। ओके, तो यहाँ ड्रॉ करेंगे कैरोटिड ट्रायंगल का डायग्राम। तो देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये, दिस इज हायोड बोन। ओके, तो ये हो गई हमारी हायोड बोन। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ हायोड के नीचे जस्ट क्या होता है, हायोड बोन के नीचे होता है हमारा लेरिंग्स। तो लेरिंग्स की मैं यहाँ कार्टिलेज ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, दिस इज थायरॉइड कार्टिलेज। तो ये हो गई हमारी थायरॉइड कार्टिलेज और नीचे क्या होती है, दिस इज क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये हो गई हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज। ओके, अब देखिए, अब हमें ड्रॉ करनी है बेसिकली मसल्स। तो देखिए, मसल्स में सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है नेक के लिए, क्योंकि स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के जस्ट आगे क्या होते हैं, सारे के सारे एंटीरियर ट्राइंगल, और स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स के जस्ट पीछे क्या होते हैं, पोस्टीरियर ट्राइंगल। ओके, और भी स्ट्रक्चर्स के लिए हमें कोई बॉडी प्रिजर्व करनी है तब भी हम स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल को एज ए लैंडमार्क यूज करते हैं। तो देखिए, ग्रीन से मैं जो ड्रॉ करूँगा, दिस इज स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। तो ये मसल होगी हमारी, दिस इज स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल। ओके, तो देखिए, ये सारी की सारी मसल जो कि ग्रीन वाली है, दिस इज स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। तो दिस इज स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। तो देखिए, ग्रीन मसल है तो मैं नाम भी ग्रीन से लिख रहा हूँ, SCM यानी कि स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। ओके, इसके बाद आते हैं हम सेकंड मसल पे। तो देखिए, हमने पढ़ी थी देखिए, आते हैं बाउंड्री पे, पोस्टीरियर बाउंड्री क्या बनाएगी, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। तो देखिए, दिस इज स्टर्न, देखिए इसके बाद में पढ़ेंगे, अब हम बनाएंगे यहाँ पे आपको सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। तो इस स्केच से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। आपको पता हो तो ओमोहायोड का अटैचमेंट कहाँ पे होता है, कोई मसल होगी तो दो जगह अटैच होगी, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए, ऊपर के साइड ओमोहायोड अटैच होती है हायोड बोन से, जबकि नीचे कहाँ पे अटैच होगी, नीचे ओमोहायोड मसल अटैच होती है स्केपुला से, स्केपुला पे भी कहाँ पे, सुप्रा स्केपुलर नोच पे। तो देखिए, हमने एक अटैचमेंट यहाँ शो किया है और एक अटैचमेंट होगा इसका नीचे, नीचे कहाँ पे, स्केपुला पे। तो इस कलर की स्केच से जो भी ये मसल है, ये कौन सी है, दिस इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। तो दिस इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। तो ये हमारी ओमोहायोड की सुपीरियर बेली हो गई। और एक मसल सॉरी, और एक और मसल हमें ड्रॉ करनी है, वो है हमारी बेसिकली पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। तो देखिए, डाइगेस्ट्रिक की वही एंटीरियर साइड, यहाँ पे कहीं एंटीरियर बेली होगी और ये क्या है, पोस्टीरियर, तो यहाँ पे कहीं पोस्टीरियर बेली होगी। और दोनों बेलिया यहाँ पे आपको बताओ एक कुली होती है, मतलब क्या कि अज्यूम कीजिए, ये स्केच क्या है, ये सॉरी, इस दो स्केच लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अज्यूम कीजिए, ये दोनों स्केच क्या है, ये दोनों स्केच है हमारी डाइगेस्ट्रिक मसल। ओके, अब देखिए, इन दोनों पूरी मसल को मैंने ऐसे वी शेप में बेंड कर दिया और यहाँ पे एक कुली लगा दी,
पुली लगा के यहाँ पे इन दोनों को ऐसे अटैच कर दिया। मतलब क्या, पुली होती है ना, ताकि ऐसे कुछ यू शेप में कुली होती है कहाँ पे, हायोड बोन पे, ताकि ये मसल आगे पीछे आसानी से हो सके। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये एक होती है कुली, कुली बोल दीजिए या पुली बोल दीजिए, और इसके इस साइड होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और आगे की साइड क्या होगी, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। तो देखिए वही, ये क्या है, दिस इज द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करती है, ओनली पोस्टीरियर बेली ही पार्टिसिपेट करेगी कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर। तो ये हो गई हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, तो जो मैंने ब्राउन कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, तो दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ मैं फिर से बोलता हूँ, डाइजेस्टर की टू बेलीज होती है, एक होती है एंटीरियर जो कि ये वाली है, एंटीरियर बेली पार्टिसिपेट नहीं करती, पोस्टीरियर करती है, जबकि ओमोहायोट की भी टू बेलीज होती है, बट इसकी कौन कौन सी होती है, एक होती है सुपीरियर एक होती है इन्फीरियर। तो सुपीरियर में, सुपीरियर और इन्फीरियर में ओनली इन्फीरियर ही पार्टिसिपेट करती है, कहाँ पे, कैरोटिड ट्राइंगल में। तो देखिए ये हमने इसकी तीनों बाउंड्रीज शो कर दी है, देखिए एंटीरियर सुपीरियर, तो देखिए दिस इज एंटीरियर साइड है और सुपीरियर है, तो दिस इज एंटीरियर सुपीरियर, क्या लिखा था यहाँ पे, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और एक और बनानी है हमें स्टाइलो हायोट, तो नाम से ही पता लग रहा है, स्टाइलोइड प्रोसेस टू हायोट बोन, तो यहाँ पे एक और मसल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो वही हायोट बोन टू स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलोइड प्रोसेस कहाँ होता है, पोस्टीरियर साइड ही होगा, तो यहाँ पे ये कौन सी मसल होगी जो मैंने येलो स्केच से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज स्टाइलो हायोट। ओके, तो हमारी स्टाइलो हायोट भी हो गई। ओके, तो इसके बाद देखिए एंटीरियो इन्फीरियर, बहुत सिंपल सा है, दिस इज एंटीरियर और दिस इज इन्फीरियर। ओके, तो दिस इज एंटीरियर दिस इज इन्फीरियर, तो ये क्या हुआ जो कि मैंने इस कलर के स्केच से ड्रॉ किया है, दिस इज एंटीरियो इन्फीरियर, ये कौन बनाएगा, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोट, तो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोट यही लिखा है हमने। उसके बाद आते हैं हम पोस्टीरियर पे, तो देखिए जो ग्रीन स्केच से हमने ड्रॉ किया था, दिस इज स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड का भी एंटीरियर बॉर्डर, तो देखिए ये होगा स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर। ओके, तो ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, तो ये एंटीरियर बॉर्डर क्या बनाता है, देखिए एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, तो पोस्टीरियर बाउंड्री। अब आते हैं रूफ पे, तो देखिए रूफ में इतना समझने लायक कुछ बात नहीं है, हमने पहले ही समझा दिया है आपको सारा का सारा, हम यहाँ पे आपको फ्लोर के सारी मसल्स बताएंगे। ओके, तो फ्लोर की मसल्स पे आते हैं कि फ्लोर की मसल्स को कैसे ड्रॉ करें, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसका मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, तो ये है हमारा मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, तो जो मैं इस कलर के स्केच से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। ओके, तो देखिए इसी कलर के स्केच से मैं यह नाम लिख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या लिखा मैंने, दिस इज द मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, ओके, तो मैंने इसी कलर के स्केच से यहाँ पे नाम लिख दिया, ये क्या है, दिस इज द मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। ओके, उसके बाद अब मुझे ड्रॉ करना है कौन सा कॉन्स्ट्रिक्टर, मुझे ड्रॉ करना है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इन्फीरियर भी ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे ये वाला होगा, दिस इज द इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स, तो ये हुआ हमारा, दिस इज द इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, तो मैं इसकी नेमिंग यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज द इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, इन्फीरियर कॉन्स कॉन्स्ट्रिक्टर, देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये पिंक वाला क्या हुआ, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, तो देखिए दिस इज मिडिल, ये तो हुआ हमारा मिडिल वाला, और ये हुआ हमारा इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, देखिए फ्लोर में हमने क्या क्या लिखा था, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, उसके बाद लिखा था हमने हायोग्लोसस, तो देखिए अब हम हायोग्लोसस ड्रॉ करेंगे, तो देखिए हायोग्लोसस नाम से ही पता लग रहा है, हायोड बोन टू टंग, अब टंग कहाँ होती है, बेसिकली टंग हायोड बोन के ऊपर ही तो होगी, तो हायोड बोन टू टंग एक मसल होती है जिसे बोलते हैं हम हायोग्लोसस, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं, अब मैं ब्लू स्केच से जो ड्रॉ करूंगा वो क्या होगी, हायोग्लोसस, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ही पार्ट दिखेगा, बहुत सी बुक्स में क्या है, हायोग्लोसस को अज्यूम ही नहीं किया है, मतलब हायोग्लोसस मसल्स आप कुछ बुक्स में देखेंगे इसको फ्लोर में इंक्लूड नहीं करते हैं,
क्यों? क्योंकि देखिए ना कितना सा पार्ट आ रहा है, बहुत छोटा सा पार्ट आ रहा है, बट हमने इंक्लूड कर लिया। क्यों? अगर आपको कहीं मिले तो मान लेना, अगर नहीं मिले तो मत मानना। ओके, तो ये क्या मसल हुई? हमने बोला हायोग्लोसस, हायोड बोन टू टंग, हायोड बोन यहाँ होगी, टंग टंग कहाँ होगी? हायोड बोन के ऊपर, तो यहाँ से यहाँ एक मसल होती है, उसे बोलते हैं हायोग्लोसस। तो ये क्या हुई? दिस इज हायोग्लोसस, तो दिस इज हायोग्लोसस हो गई। ओके, उसके बाद लास्ट मसल कौन सी है? थायरो हायोड, नाम से पता लग रहा है, थायरोड कार्टिलेज टू हायोड बोन। तो देखिए कुछ नहीं, दिस इज थायरोड कार्टिलेज, दिस इज हायोड बोन, इन दोनों के बीच हमको हमें एक मसल ड्रॉ करनी है। तो देखिए कुछ नहीं, जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाली कौन सी होगी रेड कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? ये होगी हमारी थायरो हायोड, थायरोड कार्टिलेज टू हायोड बोन। तो ये रेड वाली कौन सी हुई? थायरो हायोड। ओके, तो देखिए मैं इस रेड वाली का नाम ब्लैक से लिख रहा हूँ, इस पेन से। तो ये क्या हुई? दिस इज थायरो हायोड मसल और दिस इज इंफ्रा हायोड मसल, हायोड बोन के नीचे है। ओके, तो देखिए हमने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया। अब देखिए कैसे, हमने फ्लोर में चार मसल बताई थी, तो देखिए चारों को लिख देते हैं, आपको चारों को यहाँ दिखा देते हैं दोबारा एक बार फिर से। फ्लोर की चार मसल कौन सी हैं? सबसे पहली है हमारी मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, नंबर सेकेंड मसल है हमारी इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, नंबर थर्ड मसल है हमारी हायोग्लोसस और नंबर फोर्थ मसल है हमारी थायरो हायोड। तो 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों के चारों क्या हैं? दीज आर द फ्लोर ऑफ कैरोटिड ट्राइंगल। उसके अलावा बाउंड्री तीन मसल बनाती है, सॉरी चार मसल। चार मसल्स कौन सी? देखिए बहुत ही सिंपल सा है, बाउंड्रीज को हम आपको दिखाते हैं ऑरेंज कलर के स्केच से, मतलब जो भी हम गोला करेंगे वो होगी बाउंड्री, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और हमने ये सॉरी हम येलो वाला नाम लिखना भूल गए थे, जो येलो वाली मसल है इसका नाम क्या है? दिस इज स्टाइलोड प्रोसेस टू हायोड बोन, यानी कि स्टाइलो हायोड। तो ये हो गई हमारी स्टाइलो हायोड। ओके, थोड़ा डार्क कर देते, दिख नहीं रहा है। तो ये हो गई हमारी स्टाइलो हायोड मसल, ये वाली हुई ना ऑरेंज वाली, हायोड बोन टू स्टाइलोड प्रोसेस या पीछे होगा कहीं, तो स्टाइलो हायोड। तो देखिए हम ऑरेंज कलर से मार्क करेंगे सारे की सारी बाउंड्रीज को। तो स्टाइलो हायोड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये दोनों क्या बनाती है? एंटीरो एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री। तो ये दोनों बनाएगी एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री। सुपीरियर बेली ऑफ ओमो हायोड, ये क्या बनाती है? ये बनाती है एंटीरो इन्फीरियर बाउंड्री। ओके, उसके बाद स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड, ये क्या बनाती है? पोस्टीरियर बाउंड्री। ओके, तो देखिए हमने सारा का सारा कैरोटिड ट्रायंगल कवर कर लिया इस डायग्राम में, बाउंड्री विद रूफ, सॉरी फ्लोर, रूफ में समझने, रूफ तो समझा दी ना हमने, तो बाउंड्री और फ्लोर हमने इस डायग्राम से कवर कर दिया। ओके, तो देखिए कैरोटिड ट्रायंगल के हम आपको टोटल दो डायग्राम बताएंगे जिसमें सारा का सारा कैरोटिड ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये तो एक डायग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया, उसी के बाद अब हम हमारा नेक्स्ट डायग्राम आएगा अगली वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको कैरोटिड ट्रायंगल के सारे कंटेंट। ओके, और देखिए कंटेंट भी आपको हम एकदम टिप्स पे कर देंगे, एकदम समझा के कि डायग्रामेटिकली पूरा का पूरा कंटेंट ड्रॉ करेंगे और उसको एकदम क्लियर से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। ओके, तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको इस चैनल की कोई सी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।